चित्रपट दिग्दर्शकानं एखाद्या हिरोला रात्रीत सुपरस्टार केल्याचं तुम्ही ऐकलंच असेल, पण विनोद कापरी यांनी एका सामान्य कुटुंबातील जिद्दी मुलाला काही मिनिटातच स्टार केल्याचं पाहायला मिळालं. प्रदीप मेहरा हे नाव अल्पावधीत चर्चेत सुद्धा आलं. प्रत्येक जण त्याच्याबाबत जाणून घेण्यात उत्सुक आहे, त्यामुळे या व्हायरल व्हिडिओ मागचं सत्य काय आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. मध्यरात्री कामावरून घरी परतताना आर्मीत भरती होण्यासाठी 10 किलोमीटर धावण्याचा सराव करणारा प्रदीप 19 वर्षाचा आहे. तो मॅकडॉनल्ड्समध्ये काम करतो. 2002 उत्तराखंडमधील अल्मोरा येथे त्याचा जन्म झाला. प्रदीप मेहरा लष्करात भरती होऊन देशसेवा करण्याचं स्वप्न पाहतोय. चित्रपट दिग्दर्शक विनोद कापरी यांनी त्याच्याशी संवाद साधला आणि त्यावेळी व्हिडिओ सुद्धा काढला. आता प्रदीप एका रात्रीत सोशल मीडिया स्टार बनलाय. त्यांच्या या व्हिडिओला प्रचंड व्ह्यूज सुद्धा आले आहेत. नोएडाचा रहिवासी असलेला 19 वर्षीय प्रदीप मेहराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. प्रदीप दररोज मध्यरात्री कामावरून घरी जाताना 10 किलोमीटर अंतर धावत जातो. घरी गेल्यानंतर तो आपल्या मोठ्या भावासाठी जेवणही बनवतो, मात्र प्रदीप ती ऑफर नाकारतो आणि स्वतः पळत सुटतो. या दोघांमध्ये झालेला संवाद सध्या चर्चेचा विषय ठरलाय आणि सगळ्यांसाठी प्रदीप हा प्रेरणादायी सुद्धा ठरलाय. तो 11 बजे तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई. हाँ, क्या पता चला तुमको अभी तक, कुछ पता चला क्या? हाँ, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है करके. तुमको इंटरनेशनल अवार्ड मिला? आपको? मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला यार. सुना ही मैं आया मेरा ऐसे ही. अच्छा, गूगल पे देखिए अभी आईडी विनोद कपरी करके. अच्छा, तो क्या क्या हुआ फिर? क्या होगा, कुछ नहीं. तो मैंने तो कल बोला था वायरल हो जाएगा फिर. तो उसमें क्या हो रहा है वायरल होने में? है? वायरल होने में क्या हो रहा है, गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ी तो लगा रहा हूँ. अच्छी बात है. नहीं सुनो, पूरे देश ने तुमको बहुत प्यार दे रहे हैं सब लोग, और सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग उल्टा भी बोल रहे हैं. कोई उल्टा नहीं बोल रहा, एक भी आदमी उल्टा नहीं. 2-3 लोगों के कमेंट देखे मैंने, बोल रहा था कश्मीर में दौड़ाओ इनको, इन वहाँ जाके दौड़ना भूल जाएगा ऐसा वैसा करके कुछ. नहीं बेटा, वो एक आध लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब लाखों लोग देख रहे हैं और लाखों लोगों ने कहा कि ये बच्चा बहुत कमाल का बच्चा, ये प्रेरणा है बच्चा, इस बच्चे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. हाँ, मेरे गाँव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी. आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, तो सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं. तो मैं उनको, मेरे पास भी आया बहुत लोगों का फोन. तो ऐसे लोगों का नंबर मैं दूं क्या उनका? किसका नंबर? तुम्हारा नंबर दूं? हाँ दे दो. ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है, बस मेहनत करो तो बाकी सब. अभी तुम जो है इस वक्त 11:15 बजे अभी तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रहे हो, तुम्हारे स्टाफ के लोग पीछे सब देख रहे हैं और सब बहुत खुश है ना? तो अभी फिर दौड़ोगे क्या? हाँ अभी दौड़ के जाऊँगा यार. आज तो मत दौड़ो यार. क्यों? हम छोड़ देते तुमको. ठीक है कोई बात नहीं, हैं वो दौड़ूंगा पक्का. हाँ। यार आज चल दो यार, कल कितना तुमको मैंने कहा तुम माने ही नहीं. तो कल मैं दौड़ा था, रनिंग बीच में रोकना ठीक नहीं होता, फिर दर्द होता है पैरों में. अगर अच्छा एकदम से रोक दी तो रनिंग जो चल रहा था उसको चलने से होता है ना.